दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के शोडो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल का रिजल्ट जारी किया गया है, और जिसमें सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे, लगभग 67,740 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और उन कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें बता दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए एलिजिबल किए गए हैं। तो ऐसे में जितने 67,740 कैंडिडेट को अब अपने फिजिकल का इंतजार है, और ये जो फिजिकल की डेट है इसे बार बार पीछे खिसकाया जा रहा है। तो ऐसे में फिजिकल कब होंगे इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही में कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा फिजिकल का, फिजिकल को पीछे खिसकाने कैंडिडेट के लिए मतलब असरदार होगा या नहीं होगा, एंड इसी के साथ में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जो टॉपिक्स जो मेरे से कैंडिडेट नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, उन्हीं सवाल के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। सो अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज की बड़ी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब 10,000 छात्रों पर जो सर्वे किया गया है, मतलब कि जितने भी कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पर अपनी कट ऑफ के बारे में बताया है कि उनके कितने नंबर से यहाँ पर बन रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कुछ एक प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 100% मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं जिस हिसाब से कैंडिडेट ने अपने कट ऑफ मार्क बताएं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करीब 67,740 कैंडिडेट को यहां पर क्वालिफाई किया गया है फिजिकल के लिए, एंड 15 लाख से अधिक कैंडिडेट ने यहां पर एग्जाम दिया था, और करीब 12 गुना कैंडिडेट को जो है यहां पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। ऐसे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सरकारी जॉब ज्ञान के चैनल पर एक जो है कम्युनिटी पोस्ट डाली गई थी, जिस पर मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, करीब 75% लोगों ने इस बात को जो है सेलेक्ट किया था, एंड नहीं मेरे नंबर कम है इसलिए मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ये बात करीब 12% कैंडिडेट ने सेलेक्ट की थी, और अभी फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है इस बात को करीब 13% कैंडिडेट ने जो है सेलेक्ट किया था, और एक पॉइंट मतलब करीब 1500 कैंडिडेट, लगभग 1500 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट ने इस पोल में भाग लिया था। सो ऐसे में फ्रेंड्स, आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि जो ये 12% कैंडिडेट हैं, ये कह रहे हैं कि इनके फिजिकल में, इनके जो है एग्जाम में, रिटन एग्जाम में नंबर कम है, तो ऐसे में ये फिजिकल की तैयारी करना ही नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, अगर हम अंदाजा लगा करके चले, मतलब कि इन 12 कैंडिडेट को और इन 13 कैंडिडेट को निकाल करके चले, तो हमारे जो 75% कैंडिडेट बचते हैं वो करीब 50,000 कैंडिडेट के आसपास निकल करके सामने आते हैं, मतलब कि करीब 50,000 कैंडिडेट यहां पर फिजिकल देंगे, और ये 101% श्योर है, क्योंकि 67,740 कैंडिडेट में से करीब 50,000 के आसपास कैंडिडेट ही फिजिकल दे पाएंगे। तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट यहां पर जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अगर हम मतलब 20 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट को, अगर हम 20 कैंडिडेट में से अगर 20 कैंडिडेट की एक रो को मतलब दौड़ाया जाता है या फिर उनका फिजिकल करवाया जाता है, तो उनमें से करीब जो फाइनल निकल करके सामने आते हैं, जो फाइनल अपना रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सारी कंप्लीट कर लेते हैं, तो करीब 6 से 7 कैंडिडेट ही यहाँ पर निकल करके आते हैं। सो अब अगर हम इसमें बात कर लें तो करीब 15,000 कैंडिडेट के आसपास जो है फाइनल कैंडिडेट यहाँ पर जो है 15,000 या 14,000 कैंडिडेट के आसपास जो है कैंडिडेट यहाँ पर अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि रनिंग कंप्लीट कर पाएगा, हाई जंप लॉन्ग जंप अपनी हाइट चेस्ट ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में करीब 15,000 कैंडिडेट यहाँ पर निकल करके सामने आते हैं, और इन 15,000 कैंडिडेट पर ही आपका यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, साथ ही में इनका मेडिकल करवाया जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, ये सारा जो कैंडिडेट है ये, अब इनमें से कुछ कैंडिडेट जो
है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकलेंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है मेडिकल में निकलेंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में निकाले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट को निकाला जाएगा और जो हमारी वैकेंसीज हैं लगभग 6000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं उनमें जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स जो मतलब ये आपका जो फिजिकल का टाइम है इसे जो बार बार पीछे खिसकाया जा रहा है तो ऐसे में फिजिकल जो आपकी कट ऑफ रहेगी उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके फिजिकल 27 अप्रैल को हो जाते तो उस टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि उनका जो है फिजिकल अच्छा नहीं है या फिर अभी जो है कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही टाइम उनको मिल चुका है, बहुत सारा टाइम उनको मिल चुका है। तो ऐसे में मतलब सभी कैंडिडेट की जो है फिजिकल में रनिंग अच्छी हो चुकी है, हाई जंप अच्छा हो चुका है, लॉन्ग जंप अच्छा हो चुका है। तो ऐसे में जो है कुछ कैंडिडेट जो है ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे फिजिकल को, उस टाइम पर अगर फिजिकल होता तो कुछ कैंडिडेट कम क्वालिफाई करते। तो अब 101% जो है कि आपके जो है आपकी जो कट ऑफ मार्क है उस पर थोड़ा सा आपको जो है फर्क देखने को मिलेगा। सो अभी हम बात करते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, कॉन्स्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैटेगरी से अगर हम बात करें तो 1681 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के रखी गई और करीब 20,172 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो इनकी कट ऑफ रहेगी वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 64 से 68 नंबर के बीच में अगर जनरल कैटेगरी से नंबर बन रहे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यही आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है, इसी के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। एंड इसी के साथ में हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 662 वैकेंसीज टोटल रखी गई है और 7,944 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ऐसे में 60 से 65 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। एंड प्रीवियस अगर रिटन एग्जाम की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 58.87 के आसपास इनकी जो है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। अभी बात करते हैं हम एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए 590 वैकेंसीज रखी गई हैं, 7,080 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, 55 से 60 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ बनने वाली है। एंड रिटन एग्जाम में जो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी जो वो 51.93 के आसपास कट ऑफ रही थी और अभी अगर इनकी जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इनकी वो 55 से 60 नंबर के बीच में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसी के साथ में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो 343 टोटल वैकेंसीज रखी गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिल्ली पुलिस के लिए। एंड 4,116 कैंडिडेट को जो है ईडब्ल्यूएस से पास किया गया है और 54 से 58 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका यही जो है फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, इसी के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। 51.75 नंबर के बीच में इनका जो है रिटन एग्जाम का जो है कट ऑफ रहा था। अभी हम बात करते हैं फॉर एसटी कैटेगरी के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो एसटी कैटेगरी से फॉर मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 157 वैकेंसीज रखी गई थी और 1884 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया गया है। और अगर आपके यहाँ पर 57 से 62 नंबर के बीच में बन रहे एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कि फीमेल के लिए क्या कट ऑफ है यहाँ पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए तो जनरल कैटेगरी से 933 वैकेंसीज रखी गई थी, 11,196 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया था और इनकी रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो 48.19 के आसपास थी। अब अगर आपके 50 से 53 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे रिटन एग्जाम में तो आप अपने आपको फिजिकल के लिए सेफ समझ सकते हैं, आप अपनी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। एंड इसी के साथ में ओबीसी कैटेगरी से बात कर ले तो 387 वैकेंसीज रखी गई थी एंड 4,644 कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है और 46 से 49 नंबर के बीच में अगर आपके रिटन एग्जाम में नंबर बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी के साथ में हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो 94 वैकेंसीज रखी गई थी एसटी कैटेगरी के लिए एंड 1,128 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था और ऐसे में अगर 42 से 45 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ रही थी वो 39.97 के आसपास रही थी, मतलब कि करीब 40 नंबर के आसपास इनकी कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं फीमेल के लिए एससी कैटेगरी से, तो 328 वैकेंसीज थी, 3,936 कैंडिडेट को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और 43 से 46 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो 202 वैकेंसीज रखी गई थी, 2172 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और 34 से 39 नंबर के बीच में अगर आपके रिटन एग्जाम में नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बात करते हैं हम फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्स्टेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, तो देखिए
फ्रेंड कमांडो एंड जो अदर्स कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिजिकल में आपके जो रिटन एग्जाम के नंबर हैं अगर आपके 40 नंबर है तो आप जो है लास्ट एक या दो नंबर फिजिकल में एक या दो नंबर जो है अपनी कट ऑफ को बढ़ा करके चल सकते हैं। आपकी इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो एक्सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं और आपकी वैकेंसीज भी अच्छी हैं, तो ऐसे में आपके लास्ट एक या दो नंबर यहाँ पर जो है बढ़ने वाला है आपका फाइनल सिलेक्शन में। तो आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऐसे में अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं आपके फिजिकल कब होंगे, तो फिजिकल के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल में आप चेक कर सकते हैं कि आपके 27 अप्रैल फिजिकल की जो है डेट को फिक्स किया गया था, उसके बाद में आपके फिजिकल्स को खिसका करके 17 मई बता दिया गया है। लेकिन अभी एक और जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपके जो फिजिकल्स हैं वो अगले आदेश तक पोस्टपोन किए जाते हैं, मतलब कि 17 मई से आपके फिजिकल नहीं होंगे और आगे जो भी आदेश आएगा उस तक आपके फिजिकल को पोस्टपोन किया जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स ये आपके फिजिकल को पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो कोविड की सिचुएशन है, जो कोविड को देखते हुए अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से यहाँ पर जो है फिजिकल्स को करवाना संभव नहीं है। अगर कोविड की सिचुएशन पर थोड़ा भी अगर कंट्रोल होता है, मतलब कि जिस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जब आपके रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे तो उस टाइम पर जो है कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल, मतलब ऐसी बात नहीं है कि उस टाइम पर कोविड के केसेस नहीं आ रहे थे, केसेस उस टाइम पर भी आ रहे थे लेकिन उस टाइम पर कोविड की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी। तो जैसे ही कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी आपके फिजिकल्स को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2021 तक आपके जो है इन भर्तियों को कंप्लीट करना है, तो ऐसे में जून या जुलाई के जो है बीच में आपके फिजिकल्स को जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपको स्टेमिना की जरूरत होगी और गर्मी में अगर फिजिकल करवाए जाएंगे तो आपके अंदर के मतलब स्टेमिना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है मतलब व्यू पॉइंट रहने वाला है कि आपका स्टेमिना क्या है, क्योंकि गर्मी के अंदर अगर फिजिकल करवाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है गर्मी से ही रुक जाएंगे। तो ऐसे में आपको अपना स्टेमिना बना करके रखना, आपको कंटिन्यू अपनी मेहनत करनी है। सो फ्रेंड्स अब हमारी बात हो गई कि आपके फिजिकल कब होंगे, फिजिकल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कट ऑफ के बारे में कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, शेप स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में भी अभी हमने बात कर लिया है। अभी हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। सो ऐसे में फ्रेंड्स देखिए वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट होता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में कुछ कैंडिडेट को जो है रख लिया जाता है और फिर मतलब जो भी कैंडिडेट अगर किसी कारणवश या फिर जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उनकी जगह पर जो है वेटिंग लिस्ट से उठा करके ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से एक वेटिंग लिस्ट भी आपकी तैयार की जाएगी, तो उसमें करीब 500 से 600 कैंडिडेट को रखा जाएगा और ये जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाते किसी कारणवश या फिर वो अपनी कोई और जॉब कर रहे हैं और इसके लिए वो अपनी उस जॉब को छोड़ करके नहीं आना चाहते, तो ऐसे में मतलब जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर खाली रखी जाएंगी उन पर जो है वेटिंग लिस्ट से उठा करके कैंडिडेट को रख दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार आप बाद में कीजिएगा, अभी जो है आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है और अपने जो है नंबर्स अगर आपके, देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि उनके नंबर कम है इसलिए फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, तो ऐसे में मैं तो आपसे कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि जिस टाइम पर आपने एग्जाम दिया था उस टाइम पर करीब 15 लाख कैंडिडेट के साथ में एग्जाम दिया था और आपने उस टाइम पर नहीं सोचा था कि आपके कितने नंबर बनेंगे। तो अभी जब आप 15 लाख कैंडिडेट को पछाड़ करके 67,000 कैंडिडेट के अंदर आ चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आपके नंबर कम है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आप फिजिकल जरूर देने चाहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी को बहुत बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना फिजिकल अच्छे से करें और आप सभी क्वालिफाई हो। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।